सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंथरा, मंथरा का नाम तो आप लोग सुने होंगे। मानस की भयंकर पात्री, लेकिन एक बात ध्यान देंगे, मंथरा जो है वो केवल राम जी को दुख नहीं देती है, भरत जी को भी दुख देती है। कुटिल मंथरा पर सरस्वती माँ की बुद्धि पड़ी, दृष्टि पड़ी और उन्होंने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। मंथरा के विषय में हम लोग पहले जान लें कि ये है कौन। आप लोगों ने राजा बलि का नाम सुना होगा। बलि का नाम कौन कौन लोग सुने हैं, जरा हाथ उठाना। हाथ उठाएंगे तो हमें पता चलेगा सब सुन रहे हैं, नहीं तो लगेगा बस ऐसे ही बैठे हैं। बलि को तो सब सुने, देखे नहीं होंगे, नाम सुना होगा। श्रीमद् भागवत जी के 8वें स्कंद में राजा बलि की कथा है। तो राजा बलि जो थे वो प्रहलाद जी के पौत्र हैं, भक्त प्रहलाद के पौत्र। प्रहलाद जी के पुत्र का नाम था विरोचन। अब विरोचन जी के पुत्र का नाम था बलि। सज्जनों, विरोचन जी बहुत कम उम्र में उनका शरीर छूट गया था और राजा बलि छोटे थे उस समय। संत कहते हैं बलि की एक बहन थी जो बहुत बलवान थी, इतना बलवान कि स्वर्ग के देवता पर आक्रमण करने जाती थी और अकेले सारे देवताओं को मार मार के भगाती थी। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, इतनी बलवान थी अकेले। लेकिन देवता सोचते थे कि स्त्री है और स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए उसको मारते नहीं थे। और वो अकेले जाती और जा करके देवताओं को मार के भगाती। एक दिन सभी देवताओं ने विष्णु भगवान से जाके कहा कि महाराज, बलि की एक बहन है जो हम सब लोगों को मार मार के भगा देती है। विष्णु भगवान कहते हैं तो मार के भगाती है तो तुम भी मारो, तुम्हारे पास बल नहीं है। कहा, प्रभु बल तो है लेकिन हम लोग सोचते हैं कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, इसलिए नहीं मारते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं रणभूमि में जो आ जाए वो शत्रु होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जब वो स्त्री होके नहीं सोचती है कि हम रणभूमि में क्यों आए, तो तुम पुरुष होके क्यों सोचते हो कि उसको नहीं मारेंगे। जब वो लड़ने आती है तो तुम भी उसको मारो। अब विष्णु भगवान का आदेश हो गया, राजा बलि की बहन लड़ने गई देवताओं से। संत कहते हैं इंद्र भगवान युद्ध करने गए और वज्र का प्रहार किया। एक बार जब उस राक्षसी को वज्र लगा तो वज्र के प्रहार से उसका कुबर निकल गया, कुबड़ी होके डर से भाग गई। और बाद में उसको पता चला कि आज तक कोई देवता हमको नहीं मारे थे, अगर आज किसी ने मारा है तो जरूर विष्णु भगवान के कहने से मारा है। उसको पता चला, उसी दिन उसने संकल्प किया कि विष्णु भगवान का अवतार जहां होगा हम उन्हें सुखी नहीं रहने देंगे। और उसी का बदला वो भगवान श्री राम से लेती है। मंथरा बनकर, वही कुबड़ी जो कुबड़ निकल गया वो मंथरा बन के आई। कैकेयी माँ के साथ दहेज में आई थी और कोई नहीं जानता है उसके माँ बाप कौन है, लेकिन मंथरा कैकेयी माँ की बहुत
प्रिय है, अपनी है।